मीटू में फंसे नाना पाटेकर को मिली क्लीन चिट। हाईकोर्ट जाने की तैयारी में जुटी तनुश्री दत्ता। 2018 में सबसे ज्यादा सुर्खियां किसी ने बटोरी तो वो था मीटू मूवमेंट। मीटू की नींव रखने वाली थी बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता। तनुश्री ने नाना पाटेकर के ऊपर हेरासमेंट के आरोप लगाए थे। काफी वक्त से मामला सुर्खियां बटोर रहा था, लेकिन अब इस पूरे मामले में नाना के लिए राहत की खबर आई है। केस को इन्वेस्टिगेट कर रही मुंबई पुलिस ने नाना को क्लीन चिट दे दी है। मुंबई पुलिस के इस फैसले पर तनुश्री ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। तनुश्री ने नाना पाटेकर और मुंबई पुलिस को भ्रष्ट करार दिया। इतना ही नहीं, इस फैसले को चैलेंज करने के लिए अब तनुश्री हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है। तनुश्री ने एक इंटरव्यू में मुंबई पुलिस पर बायस होने के आरोप लगाए। तनुश्री ने कहा, नाना को भले ही यहाँ से राहत मिल गई हो, लेकिन उनका कर्मा जल्द सामने होगा। दरअसल पिछले साल तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर एक पुरानी फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस ने कहा कि मामले में नाना के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि इसकी आंच नाना के प्रोफेशनल करियर पर भी पड़ी थी। हाउसफुल 4 से नाना को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अक्षय ने स्टैंड लेते हुए ये स्टेटमेंट जारी किया था कि कोई भी शख्स जो ऐसे आरोपों में घिरा हो उसके साथ वो काम नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मेकर्स ने नाना को फिल्म से आउट कर दिया था। सिर्फ नाना ही नहीं, मीटू की गाज कई नामी गिरामी चेहरों पर पड़ती हुई भी दिखाई दी थी। कई को इस मामले में पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है तो कई के ऊपर अभी भी केस चल रहा है। बहरहाल हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने के बाद तनुश्री के हक में फैसला आता है या अगेंस्ट में, ये बॉलीवुड रिपोर्टर आपको जल्द ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट E24।